कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel, Civil Engineering Hub. My name is Shubham. दोस्तों, आज हम बात करेंगे OPC versus PPC, यानी Ordinary Portland Cement versus Portland Pozzolana Cement. ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जो हम यूजुअली कंस्ट्रक्शन में यूज करते ही करते हैं. ठीक है, लेकिन आज के डेट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का डिमांड कम होते जा रहा है. आज के डेट में हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इतना यूज नहीं कर रहे जितना हम पीपीसी यूज कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, इसका रीजन ये है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसमें कुछ जो केमिकल्स है, जो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऐड है, वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है, उसको भी इफेक्ट करता है. ठीक है, और दूसरा चीज है, काफी हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट उतना सुइटेबल नहीं है एज कंपेयर टू पीपीसी, राइट. तो चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस से. तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो एक तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो आप देख के पहचान सकते हो, वो है जब आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का बैग देखोगे और जो पीपीसी का बैग आप देखोगे तो उसमें जो ISI मार्क्स होता है वो ओपीसी में ब्लैक कलर का होता है और जो हमारा पीपीसी है उसमें रेड कलर का होता है. आपको दिख रहा है स्क्रीन में? ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो आप देखते ही आप पहचान लोगे कि हाँ, ये मेरा ओपीसी है और ये मेरा पीपीसी है. ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं ग्रेड के. ठीक है, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड है वो है ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53. ठीक है, तो जो ग्रेड 33, 43 या 53 ये क्या रिजेंबल करता है ये जानना बहुत जरूरी है. ये है दोस्तों कि जो हमारा 28 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारा ये ग्रेड शो करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर 28 डेज जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 ग्रेड का सीमेंट है वो है हमारा 33 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर. आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता ही है, वो है हमारा लोड बाय पर यूनिट एरिया. लोड हम न्यूटन में ले रहे हैं, एरिया हम एनएम स्क्वायर में ले रहे हैं. ठीक है, अगर उस हिसाब से हम चले तो जो हमारा ओपीसी का ग्रेड है जो 33 दिखा रहा है वो हमारा क्या है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा 28 डेज के बाद जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करते हैं जो हमारा 33 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर. ऐसे सिमिलरली हमारा 43 ग्रेड के लिए है जो हमारा 28 डेज के बाद 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर देता है, वैसे हमारा 53 भी है जो हमारा आफ्टर 28 डेज 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है दोस्तों, और इनके आईएस कोड क्या है? तो इनका आईएस कोड है जो हमारा 33 ग्रेड के लिए है उसका आईएस कोड है IS 269. ठीक है, और जो हमारा 43 के लिए आईएस कोड है वो है हमारा 8112. 53 के लिए है हमारा IS कोड 12269. ठीक है, ये आप गूगल में चेक कर सकते हो कि अभी रिसेंटली कौन सा आया हुआ है. ठीक है, बट ये ही हमारा कोड है. अब हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के लिए. तो पोर्टलैंड सीमेंट का कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रेड नहीं होता है, पोर्टलैंड सीमेंट एकलौता अपना ही एक सीमेंट है. ठीक है, जिसका IS कोड है 1489 पार्ट 1 और 2. क्लियर है, तो ये हो गया हमारा ग्रेड के बारे में. अब दोस्तों, ग्रेड के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कंक्रीट के ग्रेड से और सीमेंट के ग्रेड के बीच में. ठीक है, कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हमारा प्रोपोर्शन होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के बीच में, कि वो जब उनका जो ग्रेड होता है कि वो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा देता है, वो कंक्रीट के लिए हो गया. कंक्रीट के लिए कैसे होता है कि जैसे M20, M25, M30, इट इज डिफरेंट, ये कंक्रीट के लिए. लेकिन जो हमारा सीमेंट के लिए ग्रेड होता है वो डिफरेंट है. तो इस चीज में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, वहां पे हमारा मिक्स प्रोपोर्शन की बात चल रही है जो कंक्रीट के केस में चल रही है. ठीक है, तब जाके हम वो जो M20 या M25 है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उसको मिक्स डिजाइन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि कंक्रीट का ग्रेड डिफरेंट होता है और सीमेंट का ग्रेड डिफरेंट होता है, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये ग्रेड वाला हो गया. अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, हमारा ओपीसी का स्ट्रेंथ क्या है और पीपीसी का स्ट्रेंथ क्या है. तो जो हमारा ओपीसी का स्ट्रेंथ है वो इनिशियल डेज पे यानी 3 से 7 दिन के बीच में उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीपीसी. ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनल स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद यानी 28 डेज के बाद जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो पीपीसी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओपीसी. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी.
ड्यूरेबिलिटी हमारा ओपीसी का कम है, पीपीसी का ज्यादा है, ठीक है। वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है जब हम कंक्रीट में उसको मिक्स करके, जब हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट मिक्स करके जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कितना इजीली वो फ्लो हो सकता है, ठीक है, कितना इजीली हम उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्कबिलिटी है, तो वर्कबिलिटी भी ओपीसी का कम है, पीपीसी का ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर पास होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, कितना हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी पास थ्रू द स्ट्रक्चर, ये हमारा परमिएबिलिटी है। तो परमिएबिलिटी जो हमारा ओपीसी है इसका ज्यादा है, हमारा ओपीसी का परमिएबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पीपीसी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब जब हमारा सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, जब हम वाटर और सीमेंट को मिक्स करते हैं उससे जो हीट जनरेट होता है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा ओपीसी में ज्यादा होता है और पीपीसी में कम होता है। सो जैसे ओपीसी में अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो हमारे स्ट्रक्चर पे क्रैक्स आते हैं। आपने देखा होगा काफी बार कि हमारे स्ट्रक्चर्स पे क्रैक आते हैं, तो एक रीजन है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और इसी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने के कारण हम ओपीसी जो मास कंक्रीट है वहां हम यूज नहीं करते, ठीक है। मास कंक्रीट इन द सेंस कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे डैम हो गए, डैम के पियर्स हो गए, ठीक है, यहां पे हम ओपीसी नहीं यूज करते। अगर हम वहां पे ओपीसी यूज करेंगे क्रैक्स आएंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो ये रीजन है कि हम ओपीसी इतने बड़े मास कंक्रीट जहां हमारा लग रहा है वहां पे हम ओपीसी नहीं यूज करते, हम वहां पे पीपीसी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ओपीसी है ये केमिकल अटैक को इतना रेजिस्ट नहीं कर पाता है जितना हमारा पीपीसी रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ओपीसी और पीपीसी के बीच में। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने घरों के लिए, अपने कुछ भी अगर वो अपने लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे तो हम कौन सा सीमेंट यूज करें, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ओपीसी यूज करो या पीपीसी यूज करो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगर एक घर बना रहे हो, अगर मैं अपना एक घर बना रहा हूं तो मैं अपने फाउंडेशन पे जो मेरा पीसीसी होगा उस पर मैं ओपीसी यूज कर लूंगा, राइट। जो मेरा मेन स्ट्रक्चर होगा उस पर मैं पीपीसी यूज कर लूंगा, क्लियर है। तो ऐसे होता है कि ये नहीं कि आप अगर किसी ने बोल दिया कि आप ओपीसी यूज कर दो, आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आप ओपीसी यूज कर दो। आपको देखना चाहिए कि कहां पे मेरा पीपीसी यूज कर सकता हूं, कहां पे मैं ओपीसी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको देख के चल रहा है। तो ये है हमारा ओपीसी और पीपीसी। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई है, आप लोग को पता लग गया कि ओपीसी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आई है, अगर पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी को कोई स्पेशल टॉपिक, अगर सिविल का या आर्किटेक्चर का कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को आप चाहते हो उस पर वीडियो बने, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप उसको मेंशन कर दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।